जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीसी विजय जाधव, एसएसपी प्रभात कुमार, एडीएम नंदकिशोर लाल, एसडीएम पीयूष सिन्हा, निदेशक डीआरडीए सौरभ सिन्हा, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री द्वारा विकास कार्यों के क्रियान्वयन, विधि व्यवस्था समेत विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई। जमशेदपुर शहर में जगह जगह लगे होर्डिंग पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अवैध होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया गया। जिनएसी के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि उनके पोषक क्षेत्र में 128 अवैध होर्डिंग चिन्हित किए गए, जिनमें 48 को हटाया जा चुका है। 15 दिनों में शेष अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया। बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट में व्यावसायिक उपयोग की भी जांच का निर्देश दिया गया। लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास लगेगा और भी उस एस्टिमेट में 20% अप डाउन हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनना है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने कई बार चिंतन मंथन किया है और अभी भी टाटा स्टील के भी अधिकारियों को कुछ उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोगों ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ हमारा 434 करोड़ में MGM अस्पताल का भी जो है फिर से पुनरुद्धार होना है और जमशेदपुर में फ्लाईओवर, मानगो फ्लाईओवर का भी निर्माण होना है, तो उसमें भी जो कैसे और प्रक्रिया आगे बढ़े उन विषय पर भी काफ़ी गंभीर चिंतन हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो है शहर में जो डेंसिटी है ट्रैफिक की, उसको लेकर हम लोग अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का निर्माण हाईवे में कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम लोगों की चिंता है। साथ ही जितने हमारे जो लोग दुर्घटना में मौत हुई है, ये पहली सरकार है जिसने दुर्घटना में मृत्यु जो हुई है उसको भी आपदा से 1,00,000 रुपया तत्काल राहत देने का जो हमारा काम है, उस पर भी हम लोगों ने करीब करीब जितने लोग हैं उनको देने का काम किया और कुछ बचे हैं तो उसका भी रिव्यू वगैरह किया है। तो बहुत तरह से सभी जनउपयोगी चीज़ों पर चर्चा हुई है। और अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।